going to discuss about the uses of water. So based on the use, sectoral use, how the water is used within the various sectors, the use of water has been categorized generally in a few sectors like agriculture, industry, and domestic. तो चूंकि जो वर्ल्ड में मैक्सिमम वाटर जो अवेलेबल होता है दैट इज़ फ्रेश वाटर जो हम फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या हम फॉर एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो वाटर है अगर हम वर्ल्ड का जो है ग्लोबल एवरेज देखें तो 70% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ यूज इन एग्रीकल्चर इन इरीगेशन। तो उसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ इरिगेशंस है, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंगलर, ड्रिप, जो भी है माइक्रो इरिगेशन, जितना भी जो है ग्लोबल एवरेज है 70%, बट इंडिया में इसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेश वाटर इन एग्रीकल्चर। इंडिया में होता है 80%, ग्लोबली ग्लोबल एवरेज जो है दैट इज 70% एंड इंडियन एवरेज जो है वो है 80%। तो उसके बाद यहाँ पे जितना भी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है उसका तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज 15 to 35% जो इरिगेशन वो विड्रॉवल्स है वो अनसस्टेनेबल है। पहले हमें समझना है कि एग्रीकल्चर वाटर कहाँ से आता है फॉर इरिगेशन। इट कम्स फ्रॉम टू सोर्सेस। जो हमने इससे पहले जो सोर्सेस ऑफ वाटर पढ़े थे दे आर सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, डिसैलिनेशन एंड फ्रोजन वाटर। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे जितना भी इरिगेशन होता है दैट कम्स फ्रॉम मेनली टू सोर्सेस दैट इज सरफेस इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर। तो मेनली जो है 70% ऑफ द इरिगेशन या 60 to 70% ऑफ द इरिगेशन इज डन बाय द सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का मतलब है जो हमारे रिवर्स है, मेनली जो रिवर्स है या जो कैनाल्स वगैरह बनाते हैं तो मेनली इरिगेशन जो है 70% फ्रॉम दो सोर्सेस होते हैं, कैनाल्स, रिवर्स वगैरह यूज होता है वो वाटर, सरफेस वाटर। द रेस्ट ऑफ द 30 to 40% जो है इरिगेशन दैट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में जैसे हैंड पंप्स लगाते हैं, बोर वेल्स लगाते हैं या ओपन वेल्स जो यूज करते हैं हम, डग आउट करते हैं वहां से पानी आता है तो वहां से जो है इरिगेशन वाटर मेनली हम यूज करते हैं। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज 2000 to 3000 liters चाहिए एक पर्सन की जो है डेली नीड्स, जो हम सुबह से शाम तक खाते हैं, डाइट्री नीड्स। सुबह चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच, फिर स्नैक्स वगैरह, फिर ब्रेकफास्ट एंड डिनर। उसमें तकरीबन तकरीबन जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसमें तकरीबन तकरीबन 2000 से 3000 liters जो है पानी इस्तेमाल होता है। तो उसमें जैसे राइस है, 1 kg राइस जो है उसको प्रोड्यूस करने में तकरीबन ऑन एन एवरेज 1500 liters जो है पानी यूज़ होता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द सोइंग। ये पे दानि बिहुल वावान चु, ये होता है लोनान चु, पत चु तथा इस कर पॉलिशिंग वगैरह जो करते हैं तब तक उसमें 1 kg राइस में जो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है उसमें 1500 liters पानी एम्बेडेड होता है, उसमें यूज़ होता है। उसके अलावा जो है शुगर केन, उसमें भी बहुत सारा जो है वाटर, जो हम शुगर खाते हैं घर में उसमें भी बहुत सारा वाटर होता है, उसको एज अ हिडन वाटर कहते हैं या वर्चुअल वाटर कहते हैं। तो उसके अलावा जो भी हमारी डाइटरी नीड्स है, फूड हम जब खाते हैं तो पर डे एक अपनी डाइट के हिसाब से 2000 से 3000 liters एक बंदे को चाहिए दिन में। तो अब इसमें उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के लिए 2 से 5 liter जो है पानी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हमें फूड प्रोड्यूस करना है ऑन जो हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है मोर देन 7 billion peoples है, मोर देन 7 billion लोग रहते हैं इस पे अर्थ पे, तो उनके लिए जो फूड प्रोड्यूस करना है उसके लिए कितना पानी चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक एस्टिमेट लिया गया, एक कैनाल होगी जो 2100 किलोमीटर बड़ी होगी और वो जो है 10 मीटर जो है गहरी होगी और जो चौड़ी होगी 100 मीटर। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं उतना पानी जो उसमें स्टोर हुआ तो वो पानी यूज़ होता है फॉर द प्रोड्यूसिंग द फूड फॉर 7 billion peoples। तो मैक्सिमम पोर्शन जो है दैट इज़ फ्रेश वाटर दैट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर। और इसी सेक्टर में हमें
ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस एंड टेक्नोलॉजी जो इनोवेशंस की ज़रूरत है, ताकि जो है वाटर कंजर्व हो जाए, वाटर जो है उसका गलत यूज़ ना हो, अनसस्टेनेबल यूज़ ना हो। नेक्स्ट सेक्टर जो मेजर वाटर गैजलिंग एंड वाटर कंज्यूमिंग सेक्टर है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो वर्ल्ड वाइड जो एवरेज है एंड इंडियन एवरेज भी है, तकरीबन 22% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ यूज इन द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, मेनली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, NTPC जिनको बोलते हैं, जो बेसिकली वाटर से एंड बॉयल करते हैं वाटर को, देन दे प्रोड्यूस स्टीम। तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी यूज होती है, कोल, गैस, नेचुरल गैस, और दे यूज दिस अदर काइंड ऑफ द फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह। तो उसमें भी वाटर यूज होता है। उसके अलावा डिफरेंट FMCGs होते हैं, मीन्स फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती है, वो भी यूज़ करते हैं पानी। जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनीज है, उसमें पानी चाहिए, एंड ऑयल रिफाइनरीज, कूलिंग, जो भी है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट तरीकों से पानी यूज़ होता है। तो ग्लोबली एवरेज 22% जो है फ्रेश वाटर यूज़ होता है एग्रीकल्चर। तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री हम एक रेजिडेंशियल सेक्टर में नहीं बना सकते, बिकॉज एक इंडस्ट्री को पानी चाहिए, वो तो या तो ग्राउंड वाटर से लेगा या किसी कैनाल से लेगा। तो वहाँ पे जो भी जो है सिविलियंस रहते हैं, रेजिडेंट्स रहते हैं, दे मे फेस द वाटर स्कैरसिटी इन पीक सीजन, जो पीक सीजन समर सीजन होता है, जहाँ पे जब वाटर की जो है अवेलेबिलिटी कम होती, ज़्यादा होती है ऑन एन एवरेज, डिपेंड करता है कहाँ से। अगर हिमालयन ग्लेशियर से पानी आता है, देन वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस इन समर्स बिकॉज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। बट कुछ रिवर्स होते हैं, दे जो है ऑरिजिनेट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, स्प्रिंग्स से, एक्वीफर्स से आते हैं, तो उनकी जो है जो वाटर लेवल डिक्रीज हो सकती है एंड वाटर कंजम्पशन इंक्रीज होती है। तो मेजर जो है इंडस्ट्रीज यही होती है, थर्मो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कूलिंग और रिफाइनरीज। जैसे आप गोल्ड वगैरह जो निकालते हैं ज़मीन से, ओर्स निकालते हैं, आप प्रेशियस मेटल्स निकालते हैं, तो उनको जो है डिफरेंट वॉशरीज होती है, जहाँ पे वो वॉश करते हैं जो डर्ट वगैरह, तो वहाँ से गोल्ड निकालते हैं। देन अदर जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी यूज़ होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वाटर। देन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स एक हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स होती है, डोमेस्टिक मीन्स फॉर एग्जाम्पल द वाटर विच वी नीड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर बेथिंग। तो इसमें वर्ल्ड एवरेज एंड इंडिया का जो एवरेज एस्टिमेट है, 8% जो यूज़ होता है फ्रेश वाटर, दैट इज़ यूज इन द डोमेस्टिक सेक्टर। तो यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बहुत कम यूज़ होता है फ्रेश वाटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बेथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, एंड देन ऑल अदर बेसिक नीड्स जो होती है, एस्टिमेट किया गया है कि एक बंदे को ये जो डोमेस्टिक नीड्स के लिए 50 लीटर पानी चाहिए एक दिन में। और ये भी डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से, लाइफ स्टाइल्स के हिसाब से भी जो है कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर आप अर्बन सेक्टर में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, देन यू नीड अराउंड 45 to 50 liters पर डे फॉर योर डोमेस्टिक नीड्स। देन इफ यू आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, देन यू नीड ओनली 35 liters फॉर योर दिस डोमेस्टिक नीड्स। तो अब जो ये वाटर है, इसकी जो क्वालिटी है, अब हम कोई भी वाटर नहीं पी सकते। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में हम दरिया का पानी यूज कर सकते हैं, और उसमें क्या कंसनट्रेशन है पोल्यूटेंट्स के, वी कैन यूज दैट। इंडस्ट्रीज में भी फिल्टर्स वगैरह लगा, उनका जो है उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, जैसे ओर वगैरह इंडस्ट्री में, तो उसमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हमें फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। बट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज वी नीड टू फॉलो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स कि किस स्टैंडर्ड का पानी, उसमें जो पैरामीटर्स है, जो जैसे उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, देन हाउ मच इज़ द आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसमें हार्डनेस कितनी है, उसमें जो है टोटल डिजॉल्व साल्ट्स कितने हैं, तो उसमें फीकल कॉलिफॉर्म्स कितने हैं। तो ये सब जो एक कैटेगरी, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास टोटल डिजॉल्व साल्ट्स जो ड्रिंकिंग वाटर में, दे शुड नॉट बी मोर देन 500 parts per million। जैसे अब इससे पहले भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पढ़ी थी, दिस
क्लासिफिकेशन नहीं, इकोसिस्टम जो हमने पढ़ा था, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें हमने तीन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़े थे. फर्स्ट इज ओशन, जिसमें मोर देन 35,000 पार्ट्स पर मिलियन जो होते हैं साल्ट कंसेंट्रेशन. देन ब्रैकिश वाटर, जिसमें एस्चुरीन्स आती हैं. देन दैट साल्ट कंसेंट्रेशन इज फ्रॉम 535,000 पार्ट्स पर मिलियन. बट जो फ्रेश वाटर होता है उसमें साल्ट कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज शुड बी लेस देन 500 पार्ट्स पर मिलियन. अगर हम जो इरिगेशन वाटर यूज करते हैं, देन परमिसिबल लिमिट इज अप टू 2,100 पार्ट्स पर मिलियन. साल्ट कंसेंट्रेशन की बात करते हैं तो वैसे ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए मोर देन 6 पार्ट्स पर मिलियन. तो ये जो है ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स है. अगर इसमें डिफरेंट गाइडलाइंस है, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स है, WHO के स्टैंडर्ड्स है, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स है. तो इंडिया में जो इंडियन स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं दैट आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द WHO, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है. बट मोर और लेस जो बड़े बड़े जो पैरामीटर्स है दे आर सेम. देन अनदर यूज ऑफ वाटर इज रेक्रिएशनल पर्पज. रेक्रिएशनल पर्पज मीन्स फॉर जो हम बाहर रेक्रिएशन कर, जैसे रिवर राफ्टिंग करते हैं हम, जैसे घूमने जाते हैं कहीं पे समर पार्क्स वगैरह में, या किसी हिली एरियाज में जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी, बेसिकली जहाँ पे अगर वाटर रिजर्वायर हो, क्योंकि एक वाटर जहाँ पे भी ठहरता है, रिजर्व हो, किसी भी डैम में वाटर रिजर्व करते हैं, तो वो एक लोकल एटमॉस्फेयर को मॉड्यूलेट करता है, उसको मॉडिफाई करता है, कूल करता है. तो उसमें एक जो है रिक्रिएशनल पर्पस भी के लिए भी यूज़ करते हैं. जैसे बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उसमें वाटर स्टोर होता है, देन यू कैन गो फॉर द एक्सकर्शन, राफ्टिंग वगैरह करने जाते हैं. तो लास्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ वाटर, दैट इज एनवायरमेंटल वाटर. अब ये जितने भी हमने जो यूजेस बड़ा बताए, जैसे एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल हो रहे हैं, रिक्रिएशनल पर्पस हो, दे आर ऑल मैन मेड जो है उसके यूजेस है. बट एज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को भी जो है उसका यूज होता है वाटर का, अपने इकोसिस्टम को मतलब सस्टेन करने के लिए. एक टर्म है एनवायरमेंटल फ्लो. एनवायरमेंटल फ्लो मीन्स कि एक इकोसिस्टम को कितना पानी चाहिए अपने सिस्टम को सस्टेन करने के लिए. जैसे अगर रिवर में एक रिवर इकोसिस्टम है फॉर एग्जांपल, उसमें फिशेज रहते हैं, उसमें प्लांट्स रहते हैं, तो एक रिवर में कितना पानी होना चाहिए एट मिनिमम कि ताकि वो अपना जो इकोसिस्टम एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं कर सके. तो उसको एनवायरमेंटल फ्लो बोलते हैं. तो डिफरेंट एनवायरमेंटल फ्लो में डिफरेंट, जैसे आर्टिफिशियल वेटलैंड्स होते हैं. वेटलैंड्स बेसिकली जो हम यूज करते हैं, जैसे कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हम पानी को ठहराते हैं एंड उससे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, या और भी डिफरेंट जो है वेजिटेबल वगैरह प्रोडक्शन कर सकते हैं. वेटलैंड्स के बहुत सारे जो है यूज़ होते हैं. देन आर्टिफिशियल लेक्स, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वगैरह को क्रिएट करने के लिए फिश लीडर्स. फिश लीडर होता है कि जब आप डैम बनाते हैं तो कुछ फिशेज जो होती है वो दरिया के जो फ्लो होता है उसके अगेंस्ट जाती है फॉर स्पॉनिंग, अंडे देने के लिए, ताकि जो बच्चे निकलेंगे वो फिर से नीचे आ जाएंगे. एक पूरा जो उनका जो होता है लाइफ साइकिल होता है. फिश लेडर होता है जब आप डैम बनाओगे तो मछलियाँ नीचे से ऊपर नहीं आ सकती, बिकॉज जो वाटर की लेवल होती है बहुत ऊपर होती है. तो उसमें एक पाथ होता है साइड में जहाँ से मछलियाँ जाती है, फिर वो ऊपर अपर स्ट्रीम में अपनी जो है स्पानिंग अंडे वगैरह देती हैं, देन उनका जो है पूरा जो लाइफ साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता फॉर बाय द डैम. तो ये एक एनवायरमेंटल फ्लो को मेंटेन करने के लिए फिश लीडर्स वगैरह बनाते हैं, बिकॉज जो एक फिश का अपना जो है रोल होता है एक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में. तो यही है, वाटर रिलीज फॉर द रिजर्वायर्स, टाइम टू हेल्प द स्पॉनिंग, रेस्टोर द नेचुरल फ्लो, जो नेचुरल रिजीम होती है रिवर्स की. वो जैसे कहीं पे भी डैम बनाओगे तो पानी को रिजर्व करते हैं, तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है पूरा ड्राई आउट हो जाता है. तो जितनी भी चीज़ें उस पानी पे मतलब निर्भर थी, उस पे डिपेंडेंट थी, वो सब खत्म हो जाएगी, चाहे वो फिशेस हो, चाहे वो एडजेसेंट प्लांट्स हो, चाहे वो एडजेसेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो या फॉरेस्ट वहाँ पे हो, तो वो सब खत्म हो जाता है. बट ऐसा नहीं है कि हमें एनवायरमेंटल फ्लो को मेंटेन करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर वी मस्ट रिलीज फ्रॉम द डैम्स, ताकि जो है वहाँ पे नेचुरल जो है इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो जाए. बट जनरली ये नहीं होता है, एनवायरमेंटल फ्लो को मेंटेन नहीं किया जाता है, बिकॉज
फॉर जनरेशन ऑफ मोर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर सप्लाइंग मोर वाटर टू द इरीगेशन कैनाल्स, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो ये एक डैम होता है उसमें एक मल्टीपर्पज़ उसका एक पर ये होता है, एक्टिविटीज़ होती है. इट इज़ नॉट मेंट ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट्स ऑल्सो मेंट फॉर द नेविगेशन. इट्स मेंट ऑल्सो मेंट फॉर द नेविगेशन के बाद फिशिंग के लिए यूज़ होता है, इरीगेशन के लिए यूज़ होता है. तो वो सब चीज़ें जो मेंटेन करने के लिए एनवायरमेंटल फ्लो को कंप्रोमाइज़ करते हैं. देन ये हुआ व्हाट आर द सोर्सेज एंड व्हाट आर द यूज ऑफ वाटर. नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन व्हाट फॉर्म ऑन द अर्थ, तो इसको हम वाटर बजट कहते हैं. चूंकि हमने पहले ही आपको बताया कि 97% ऑफ वाटर या 96 to 97% ऑफ वाटर जो है वो दैट इज अवेलेबल इन द ओशंस, दैट इज सलाइन वाटर, वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसमें खाली एक डिसैलिनेशन प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ टू माइन्यूट, वो हर किसी जगह यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी एनर्जी इंटेंसिव, तो सस्टेनेबल नहीं है वो, बट इन एमरजेंसी सिचुएशंस इट कैन बी यूज्ड. तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है, ये जो हमने कहा 96 to 97% जो है ओशंस में होता है. देन अदर सलाइन वाटर, अदर सलाइन वाटर क्या होता है, जैसे एस्ट्रीन्स की बात करते हैं जिसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं, या जो इनलैंड कुछ सलाइन वाटर बॉडीज होती है जैसे पेंगोंग लेक है लद्दाख में, चिल्का लेक है, सांबर लेक है, इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. दे इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द आवर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और डोमेस्टिक पर्पज, जो भी हमारी जो नीड्स है वाटर की वो हम यहाँ से फुलफिल नहीं कर सकते. तो ये जो पूरा ये ग्रीन वाला पोर्शन है, दिस मैं वाटर कह वी रहा कैनॉट था यूज. जो है मोस्ट ऑफ द वाटर इज सेलाइन, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ओनली दिस वन पोर्शन 2.5% ऑफ द टोटल वाटर दैट इज़ फ्रेश वाटर, जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर नीड्स, जो हमने अभी यूज़ ऑफ वाटर बताया उसमें यूज़ कर सकते हैं. तो उसमें भी जो है अबाउट इस 2.5% का 68.7% जो है लॉक है इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स, जो हिमालयन ग्लेशियर्स है, आर्कटिक सर्कल में है ग्लेशियर्स है, या अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स है, उसमें टोटल जो है फ्रेश वाटर का 68.7% लॉक है इस 2.5% का जो एक फ्रेश वाटर है. तो इसके अलावा इस 2.5% का 30.1%, मानो 30% ऑफ जो है वाटर फ्रेश वाटर इज इन ग्राउंड वाटर. तो ये वाटर जो है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्री, इवन दैट कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, जो हम घर में बोरवेल वगैरह बनाते हैं. और जो खाली 2.5% का 1.2% जो होता है सरफेस फ्रेश वाटर, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, स्वैम्प्स, मार्शेस, सॉयल मॉइस्चर, एटमोसफेयर, तो ये आता है सरफेस वाटर में. अब ये दो तो हमने जो है देखे हैं, ये दो ग्राउंड वाटर में अब जो है हम निकालते हैं, ये तो एक ही फॉर्म में अवेलेबल होगा ग्राउंड वाटर में, बट जो ये सरफेस वाटर है ये भी अवेलेबल होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट. ग्राउंड आइस होता है जहाँ पे भी जो है सॉयल में जो वाटर होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो बिकॉज ऑफ द लोअर टेम्परेचर, जैसे जो यहाँ पे रशिया में है वहाँ पे सॉयल में ही जो है आइस जम जाती है, तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है सरफेस वाटर वहाँ पे लॉक है. तो इस 1.2% का तकरीबन 69% ऑफ वाटर इज लॉक्ड इन ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ये रिलीज हो जाएगा, देन इट कैन रिचार्ज द ग्राउंड वाटर और इट कैन फ्लो टू द रिवर्स और लेक्स. तो अब इस सरफेस वाटर का जो 21% है दैट इज अवेलेबल इन द लेक्स. अगर हम कश्मीर की बात करें, हमारे पास दो बड़े लेक्स है, दैट इज फ्रेश वाटर लेक्स, दैट इज डल लेक एंड वुलर लेक. तो उसके बाद आते हैं ये सॉइल मॉइस्चर. सॉइल मॉइस्चर होता है जो हमारे पास मिट्टी में मॉइस्चर अवेलेबल होता है, उसमें भी कुछ जो है वाटर लॉक होता है, जो भी हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं तो वो सॉयल मॉइस्चर वहाँ पे भी लॉक्ड. एक तो सॉयल में होता है और उसके बाद ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर इज डिफरेंट, सॉयल इज डिफरेंट. ग्राउंड वाटर
पूरा नीचे होता है। अब लेवल क्या होगी डिफरेंट लोकेशंस पे, हमारे यहाँ तो है 2 फीट पे ही, 3 फीट पे ही वाटर नीचे नीचे से आ जाता है, तो एक वाटर टेबल है उसका। तो दूसरा होता है अपर सॉइल में, जो है उसमें भी लॉक होता है। अब ऑन एन एवरेज जितना भी वर्ल्ड में सॉयल है उसमें 3.8% जो है ये बताया गया है, एस्टिमेट किया गया है कि फ्रेश वाटर जो है सरफेस फ्रेश वाटर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सॉयल मॉइस्चर। उसके बाद स्वैम्प्स एंड मार्शेस, जो दलदल है उसमें भी 2.6% है। अब रिवर्स में यहाँ पे जो है खाली 0.5% या 0.49% यहाँ पे बताया गया है। जो भी सरफेस वाटर है उसका खाली 0.5% अवेलेबल है इन रिवर्स। अब कितने रिवर्स है आपके सामने, तो कितना पानी है रिवर्स में, वो खाली एक छोटी सी क्वांटिटी है फ्रेश वाटर की। उसके अलावा जो है लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें 0.26% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है। एंड देन एटमॉस्फेयर में होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और कंडेंस फॉर्म में होता है इन क्लाउड्स। तो ये है आपका वाटर बजट, इसमें कहाँ का आप यूज़ कर सकते हैं वाटर को, जैसे ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं एंड फ्रेश वाटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर ओवर जो हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक नीड्स है। देन उसके बाद हमारा जो सेक्टोरल डिमांड है, जो हमने डिफरेंट सेक्टर्स अभी पढ़े, जैसे इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक है, इरिगेशन है, या एनर्जी भी इंडस्ट्री में ही आता है। तो हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ही जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, 2010 से 2050 में, ये तो अभी 2000 एस्टिमेट किया गया है, ये एक्सट्रापोलेट किया गया है बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स, कि आगे जाने वाले जो हमारी जो है इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एनर्जी नीड्स, फूड नीड्स किस तरीके से बढ़ेंगी, तो उसी हिसाब से उसको एक्स्ट्रापोलेट एस्टिमेट किया गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि हमारी जो एग्रीकल्चर नीड्स है ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है इसमें, दे आर ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर नीड्स फ्रॉम 2010 से, हमने यहाँ पे बेस ईयर लिया है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जो हमारा इंडस्ट्रियल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, बट एनर्जी नीड्स दे आर ऑल्सो ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग, बिकॉज और जो लाइफ स्टाइल है वी नीड मोर एनर्जी। लाइफ स्टाइल जो हमारे गैजेट्स वगैरह यूज होते हैं किचन्स वगैरह में, या उसको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए 24 घंटे डिफरेंट जो एरियाज है उसमें एनर्जी जब अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो उन एरियाज में जब अवेलेबल एनर्जी होगी तो उसमें भी वाटर जो है कंज्यूम हो जाएगा फॉर क्रिएशन ऑफ द एनर्जी। तो ड्रेस्टिकली मोर और लेस हर किसी सेक्टर में जो वाटर डिमांड है इंक्रीज हो रही है, तो मोर पर्टिकुलरली इन दिस सेक्टर ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर भी उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट एनर्जी एंड द एग्रीकल्चर, मोस्टली एग्रीकल्चर जो है इसमें ड्रास्टिक जो है डिमांड इंक्रीज होगी इन फ्यूचर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास अवेलेबिलिटी, ये तो डिमांड थी, अब अवेलेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे 1951 में जो अवेलेबिलिटी थी तकरीबन 5177 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा पर एनम। यहाँ पे एक क्यूबिक मीटर होता है एक क्यूब, जिसका जो है तीनों साइड जो है 1 1 मीटर के होते हैं, तो 5177 जो है क्यूबिक मीटर्स एक बंदे के लिए एक साल में अवेलेबल थे पानी इन 1951। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है, तो 2001 में ये 1869 क्यूबिक मीटर डिक्रीज हुआ, तो कितना ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ, चेंज हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा उतना डिक्रीज नहीं हुआ अवेलेबिलिटी, बट बिकॉज ऑफ जो पॉपुलेशन इंक्रीज, थोड़ा सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से थोड़ा सा ये जो है डिक्रीज हो सकता है। और तो यहाँ पे एक वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो अगर 1100 या 1000 क्यूबिक मीटर से पानी कम अवेलेबल रहेगा दैट विल बी द वाटर स्ट्रेस कंडीशन। और दूसरा होता है वाटर स्कैरिसिटी, वाटर स्कैरिसिटी होता है बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर तो अवेलेबल है बट हमारे पास वो सप्लाई चेन नेटवर्क नहीं है, हमारे पास वाटर पाइपलाइंस नहीं है, हमारे पास जो टैंकर्स वगैरह नहीं आते, तो दैट क्रिएट्स अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। दूसरा होता है स्ट्रेस,
स्ट्रेस होता है पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज है तो वो तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, बट हमारी पॉपुलेशन है, हमारी नीड्स इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी वजह से जो है उस पर स्ट्रेस पड़ता है हमारे वाटर रिसोर्सेज पे। तो बट वाटर स्कैरसिटी इज बेसिकली द जो हमारी सप्लाई प्रॉब्लम है, जो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी, जैसे एक साइंटिस्ट ने कहा था, यहाँ कश्मीर का ही है, उसने कहा कि फॉर नेक्स्ट 200 ईयर्स जो है कश्मीर में वाटर स्कैरसिटी या वाटर स्ट्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इवन देयर इज़ अ क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है, या ग्लेशियर भी मेल्ट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट मेन प्रॉब्लम है कि वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है, आपके पास रिजर्वायर्स नहीं है जहाँ पे वाटर स्टोर हो सकता है, फिर उनको सप्लाई करना है फॉर डिफरेंट एरियाज़, शहरों में या गांव में वाटर सप्लाई नेटवर्क्स जो बिछाना है वो नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी प्रॉब्लम होती है, बट वाटर स्ट्रेस कंडीशंस नहीं है एज पर साइंटिस्ट्स। देन जैसे अभी मैंने कहा वाटर स्ट्रेस है, इट इट कैन बी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड और बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फ्लोज। एनवायरमेंटल फ्लो मैंने अभी कहा कि हमारे पास जो एनवायरमेंटल फ्लो है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए क्या क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, अगर वो क्वांटिटी नहीं मिलती है देन इट कैन क्रिएट वाटर स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि हमारा जो है रिसोर्स जो हम डिक्रीज कर रहे हैं, देन वाटर क्वालिटी अगर उसमें पोल्यूटेंट्स ज़्यादा रहेंगे देन ऑल्सो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। फिर वॉल्यूमेट्रिक अवेलेबिलिटी, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि स्कैरसिटी जो होती है इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक अवेलेबिलिटी, जितना आपका डिमांड है आप उतना मीट नहीं कर पाते, बट इवन यू हैव द इन स्टॉक बट आपके पास वो नेटवर्क नहीं है देन इट क्रिएट्स वाटर स्कैरसिटी, तो उसकी वजह से डिफरेंट जो है रिस्क हो जाती है इन डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे बिजनेस में या डोमेस्टिक में या एग्रीकल्चर में। तो किसी भी साल जब जो है हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स में पानी कम होता है देन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रिएट्स एन एडवाइजरी, इश्यूज एन एडवाइजरी कि आप पैडी कल्टीवेशन नहीं करेंगे, यू शुड गो फॉर द लेस जो है वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, जैसे मक्की वगैरह लगाएंगे आप, उसमें वाटर की डिमांड कम होती है, वो रेन फेड होता है बेसिकली, तो उसमें वाटर रिस्क फॉर बिजनेसेस, जो भी बिजनेसेस बेस्ड ऑन द वाटर होती है, जैसे FMCGs होती है, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वो फिर वहाँ पे उस एरिया में नहीं आती, वो फिर वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकती है। एंड देन उसके बाद वाटर स्ट्रेस किन-किन वजूहात से होता है, देन पहला ही है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे जो वाटर रिसोर्स पे स्ट्रेस पड़ेगा। हम 2000 में तकरीबन 6.2 बिलियन लोग थे वर्ल्ड में, देन 2050 में और 3.5 जो ऐड हो जाएंगे, देन इट कैन बी अराउंड 9.7 बिलियन लोग 2050 में हो जाएंगे, तो मींस हमारे पास जो वाटर रिसोर्स है दैट इज वो उतना ही रहेगा, फ्रेश वाटर 2.5 जो परसेंट है, तो वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, बट जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी वजह से वाटर स्ट्रेस पड़ता है, वाटर का जो है उनकी जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, देन उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। देन दूसरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड अर्बनाइजेशन, जितना हम इंडस्ट्रीज को ज़्यादा सेटअप करेंगे, अर्बनाइजेशन ज़्यादा करेंगे, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा तो वाटर डिमांड इंक्रीज होगी, जैसे टूरिज्म वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएंगे तो एक्सपैंड होते हैं कंटिन्यूसली, तो वाटर डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो उसके अलावा अर्बनाइजेशन का जो है वो भी हर गाँव हर शहर जो है आप पूरा जो है अर्बनाइजेशन की ओर चल रहा है, तो दैट ऑल्सो नीड्स मोर वाटर। तो लास्ट वन इज द क्लाइमेट चेंज एंड डिप्लेशन ऑफ एक्विफर्स। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज है, चाहे वो फ्रोजन कंडीशन में है या लिक्विड कंडीशन में है, फ्रोजन कंडीशन में हमारे जो ग्लेशियर्स है, आइस कैप्स है, वो जल्दी मेल्ट आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास रिजर्व नहीं रहता है पानी का, तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है वाटर की जो है अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एक्वीफर्स होते हैं हमारे जो ग्राउंड वाटर से पानी निकलता है, उसकी जो भी जो है लेवल डिक्रीज होती है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा में ग्राउंड वाटर को ज़्यादा विड्रॉ करते हैं, देन वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की लेवल है डिक्रीज होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वेपोरेशन लॉस ज़्यादा होती है, एंड देन हमारे पास जो एग्रीकल्चर इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो हम करते हैं उसमें भी जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत फास्ट रेट पे होता है, तो ये मेजर जो है वाटर स्ट्रेसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं
But they can be incorporated ऑल इन दीज थ्री कैटेगरीज. तो उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर किस किस तरीके से हम कर सकते हैं. देन जनरल जो है कंजर्वेशन, ये भी अक्सर आपने देखा होगा, डिक्रीज रन ऑफ लॉसेस. रन ऑफ लॉस को कैसे डिक्रीज करना है, जैसे बारिश होती है तो रन ऑफ ज़्यादा होता है, अगर हम जंगल वगैरह काटेंगे ज़्यादा तो एकदम से पानी नीचे आ जाएगा तो फ्लड्स वगैरह आ सकते हैं. एक तो वो प्रॉब्लम है. दूसरा ये प्रॉब्लम है, जब भी लीन सीजन होगा, जब बारिश नहीं होती है, तब वाटर अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं रहेगी. तो जो है रन ऑफ लॉस को डिक्रीज करना, इवैपोरेशन लॉसेस को डिक्रीज करना, स्टोरिंग वाटर इन सॉइल, रिड्यूसिंग इरिगेशन लॉसेस, रीयूज ऑफ वाटर, प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर. तो ये हम जो है डोमेस्टिक लेवल पे कर सकते हैं. एंड देन ये जो डोमेस्टिक एंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर कर, देन इंक्रीज इन ब्लॉक प्राइसिंग. तो ये कुछ कुछ इसमें से मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे रन ऑफ लॉस को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं. बेसिकली इन एग्रीकल्चर, जो हमारे पहाड़ी इलाकों में एग्रीकल्चर किया जाता है, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं अक्सर जो पैडी फील्ड होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं. लेवल उनकी डिक्रीज होती रहती है, छोटे छोटे पैचेस बनाते हैं वो, जो वो कंटूर कल्टीवेशन कहते हैं, कंटूर बेंच टेरेसिंग. तो ये हम आगे जाके नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है. बेसिकली ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो कुछ मेथड्स है, हाउ कैन वी सेव द वाटर. उसके बाद ये जो जितने भी मेथड्स है, ये हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे. उसके अलावा डिफरेंट जो है हम पॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं, उससे जो है रन ऑफ लॉस, बेसिकली जो स्पीड, जिस स्पीड से पानी ऊपर से नीचे आता है उसको डिक्रीज करते हैं हम. तो ये एक मेथड है. देन रिड्यूसिंग इरिगेशन लॉसेस, जो बेसिकली ये जो बॉल्स वगैरह यूज करते हैं, दे हैव टू पर्पसेस किसी भी डैम में. एक तो जो बर्ड्स वगैरह आते हैं वो गंदगी फैलाते हैं बिकॉज ऑफ द बर्ड ड्रॉपिंग्स, जो उनका वेस्ट है वो भी रुक जाता है, एंड देन जो है वाटर लॉस भी कम हो जाता है. वैसे तो जो ब्लैक कलर होता है ये ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, बट ये पूरा जो एरिया कवर रहेगा, देन द इवोपरेशन लॉसेस भी डिक्रीज होती है. तो उसमें कैनाल्स वगैरह को जो है उस पर एक बनाते हैं, जैसे गुजरात में एक कैनाल है, रिवर्स है, उन्होंने क्या किया है, एक तो कैनाल भी उससे इरिगेशन सप्लाई होती है और उसके इवापरेशन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए उस पर ऊपर, ताकि इवापरेशन लॉसेस को डिक्रीज किया जाए. तो उसके अलावा स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करते हैं हम, तो जिससे तकरीबन 50 to 90% जो है वाटर को सेव किया जा सकता है. एक एस्टिमेट ये भी है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे, ड्रिप इरिगेशन से हम 1 लीटर से 20 कनाल को भी इरिगेट कर सकते हैं खाली 1 लीटर से. तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का प्लांट्स है, सेटअप है. स्प्रिंकलर जो आपने देखा होगा, वो जो घूमता है एक फंवारे की तरह, जो है पानी फेंकता है पूरे एरिया में, ये वाला. तो उसके अलावा जो कुछ क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम एरोबिक राइस ग्रो करते हैं, जो हम पैडी अभी ग्रो करते हैं ट्रेडिशनली, हम उसको वाटर स्टोर करते हैं, कुछ देर तक स्टैंडिंग वाटर रखना पड़ता है. बट न्यू वैरायटीज आर कमिंग अप जिसमें पानी नहीं चाहिए उतना, उसको एरोबिक राइस बोलते हैं. तो और भी जो वैरायटीज है जो सलाइन कंडीशन में, साल्ट कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो है इरिगेशन लॉसेस जो है रिड्यूस कर सकते हैं. देन रीयूज द वाटर, रीयूज बेसिकली हमारा जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है आइदर फ्रॉम द सीवेज और इंडस्ट्री, उसको हम रीयूज करते हैं, ट्रीट करते हैं बाय वेरियस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स. तो या तो उसको फिर इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे, या तो फिर उसको जो है डिफरेंट पर्पज़ जैसे कार वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. या एक सिंगापुर एक खाली वाहिद कंट्री है जहाँ पे जितना भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है वो पूरा रिसाइकल करते हैं, उसको फिर डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, बेथिंग के लिए. तो सिंगापुर, ये आप याद रखना, सिंगापुर कंट्री है, बहुत ही छोटी कंट्री है, बट दे हैव अडॉप्ट सच एन मैकेनिज्म, वो पूरा जो जितना भी वेस्ट वाटर है उसको पूरा ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पे